पिछले दिन हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लाए। शायद 100 वर्षों में ऐसा काल आया है कि जिसमें पूरी मानवता जो है वो इसमें जूझ रही है। प्रगति परिवार के कुछ सदस्य इन दिनों हमें छोड़ के चले गए बैकुंठ धाम की यात्रा में। सबसे पहले तो हमारे जो वर्तमान सदस्य यानी कालरा जी, दिनेश कालरा जी, जो कई दिन अस्पताल में रहे, आईसीयू में रहे, जूझते रहे परिस्थितियों से, उनको रेमडेसिविर भी लगाया गया, उनको और भी इस प्रकार की जितनी भी प्लाज्मा की थेरेपी थी सारी थेरेपी दी गई। अनफॉर्चुनेटली उनकी श्रीमती यानी मेरी भतीजी, वो भी कोरोना से पीड़ित थी, और जो मेरी भतीजी की मदर इन लॉ है यानी दिनेश की मदर, उनको भी ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे रख के थेरेपी अभी तक चल रही है, कई दिन हो गए। और दिनेश कालरा बहुत सौम्य प्रकृति के थे, उनके साथ जब बात करो अच्छा लगता था। जो पुराने सदस्य हैं सुमित जी, गणेश जी, मनीष शाक्या, जो उनकी नेचर से परिचित हों, संजीत मलिक, तो रजिस्ट्रेशन का काम उन्हें दिया था, रजिस्ट्रेशन का काम जो कोई भी लेने से घबराता था, लेकिन उनकी ऑनेस्टी, एक एक रुपए का हिसाब करना को सलाम है। उन्होंने जिस प्रकार से जो कार्य पकड़ा वो पूरा किया पूरी तन्मयता के साथ। मेडिमिक्स सोप के अंदर वो नॉर्थ इंडिया के मैनेजर थे, और उसी कारण उन्हें कोरोना से कुछ दिनों पहले, जब ये महामारी फैली नहीं थी, वहां जाना पड़ा ट्रेन से। वापसी में उन्हें ट्रेन से सफर करते हुए ये कोरोना हो गया, और जो वहां से उनके घर में पहुंचा और विकट परिस्थिति में उनको वैकुंठ लोक में जाना पड़ा। मैं दो दो शब्द, दो दो लाइन, चार चार लाइन में चाहूंगा, अगर मनीष जी, गणेश जी या कोई भी पुराना सदस्य शेयर करना चाहे उनके साथ अपनी यादें, तो 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा। आप में से गणेश जी, कुछ यादें हैं आपके पास? सुमित जी, सर, मैं बताना चाहूंगा, दिनेश जी के साथ मेरा तो काफी उनसे रिलेशन रहा है। मतलब जब तक हम विंग में जुड़े थे, साथ में रहे, उनकी उन्होंने जो आदत हमें डाली, और जो मेरे को आज तक, मैं मेरे को लगता है इस बीमारी से मैं बचा रहा, जो मेरी इम्यूनिटी आई, वो तुलसी की जो टेबलेट, उन्होंने मेरे को बोला था कि सुमित जी लेते रहना हर मल्टीविटामिन की। और मेरे साथ वो साइट पे गए, मेरे तो कस्टमर थे। एक ऐसा फैमिली रिलेशन उनकी वाइफ उनके वाइफ के साथ था, दिनेश जी सारे मतलब मिलते रहते थे, उनके घर पे लंच पे भी जाता था। आज मतलब एकदम से झटका लगा, वो सोच नहीं पा रहे क्या हुआ है। लो प्रभु शक्ति दे परिवार को स्थिति से उभरने की। गणेश जी, कुछ यादें हैं आपकी? दिनेश जी के साथ जो यादें हैं वो कभी ना भूलने वाली यादें हैं। जब भी हम लोग मीटिंग के बाद बैठते थे आपस में कभी भोजन के लिए, तो जो चर्चाएं होती थी वो कभी ना भूलने वाली यादें हैं। और खासकर अपने व्यवसाय के संदर्भ में जो भी उन्होंने सुझाव दिए, इस प्रकार से निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और लोगों से एक प्रेम भाव से मिलना चाहिए, तो सदैव यादगार रहेगा। मैं उनके न रहने पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान न करे इस प्रकार से किसी को इस प्रकार का कष्ट हो। मनीष जी या संजीत मलिक? जब रोहिणी विंग, उत्कर्ष विंग में पहली मीटिंग में पहली बार आया था, तो जी मुझे गेट पे सबसे पहले सुबह दिनेश कालरा जी मिले थे। तो फर्स्ट इंट्रैक्शन जो हुआ था मेरा, इनसे ही हुआ था उत्कर्ष विंग में। फिर जी उसके बाद सबसे मिलना हुआ था, तो जब इनसे इंट्रैक्शन हुआ तो मेरे को ये लगा कि मतलब कितने हम्बल थे ये। आज भी मतलब मेरे को इनकी कुछ बातें, कुछ चीजें याद आती हैं, और टू बी ऑनेस्ट मतलब कुछ चीजें ध्यान में आ जाती है इनकी, जी जो काफी टाइम हमने साथ बैठ के डिस्कस की थी। घर पे भी आए थे ये, और आप भावुक हो गए, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं। हमारे परिवार का कोई सदस्य चले जाए तो ऐसी ही मन में भावना आती है। मनीष शाक्य, दिनेश कालरा जी वाकई में इतने सॉफ्ट व्यक्ति थे,
आपने दो सिस्टम से लॉग इन किया है इसलिए आपका वो कर रहा है, एक सिस्टम से लॉग इन करो। दिनेश काला जी वाक्य में इतने सॉफ्ट लगते थे, जब भी मेरी उनसे बात होती थी वाक्य में एक एनर्जी उनसे लेवल आता था और मैं खुद शॉकिंग हो गया कि दिनेश जी के साथ ऐसा कुछ हो गया और मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। जब भी उनसे मिलता था कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करते थे और बड़े प्यार से भाई की तरह, बड़े भाई की तरह सलाह भी देते थे और मैं खुद जहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन का काम मैंने लेने से पहले पीछे हो गया तो दिनेश भाई आके आगे आए और उन्होंने काम को लिया और वाक्य में अनफॉरगेटेबल यादें हैं उनके साथ में, हंसी मजाक सलाह हर चीज के लिए हमेशा ही दिल में रहेंगे सभी लोग मेरे जी। थैंक यू सर, प्रगति परिवार के माध्यम से बड़े बड़े लीडर और ऐसे ऐसे डायमंड मिले मुझे, थैंक यू। हरिओम। दूसरे हमारे सदस्य जो इसी विंग के थे पहले देवेश शुक्ला जी, उनके बारे में भी हमारी बहुत अच्छी याद है। हनुमान जी के भक्त थे, अगर पुराने सदस्यों को याद हो उन्होंने सबको कैलेंडर बांटे थे हनुमान जी के और पूरा हनुमान जी का उसमें जो हनुमान चालीसा होता है वो छपा था। उनसे गिफ्ट लोग पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देते थे। मैंने कहा आप अपने व्यवसाय से संबंधित गिफ्ट दो, उन्होंने कहा हनुमान जी का गिफ्ट देने से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। इतने बढ़िया व्यक्ति मोदी जी और इस सरकार के, आज भी फेसबुक में हमके प्रोफाइल में जाएंगे तो कट्टर समर्थक, हिंदुत्व के कट्टर समर्थक। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी प्रकार हमारी भावना आगे बनी रहे। देवेश जी के बारे में भी कोई अगर अपनी यादें शेयर करना चाहे तो कर सकता है। सर देवेश जी तो हमारे, क्योंकि प्रदीप के चाचा जी थे तो प्रदीप जी के साथ भाई जैसा रिलेशन, हमारे भी चाचा ही, हम भी उन्हें चाचा ही बोलते थे और इस विंग से बहुत पहले से हम लोगों के रिलेशन थे। हमारे ऑफिस पे आना जाना, प्रदीप भाई के जब भी ऑफिस पे जाते थे वो वहां मिलते थे। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है प्रभु ने इस बार जितने अच्छे लोग थे या तो उनको यहाँ से मुक्ति दे दी, उनको अपने पास बुला लिया, ऊपर अच्छे लोगों की ज्यादा जरूरत थी। और जब उनको कोरोना हुआ तब भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार मेरा ऑक्सीजन लेवल 85 आ गया है, अब देखो शायद एक दो दिन मैंने उनको कहा था ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। जब दो तीन दिन बाद बात हुई प्रदीप से, वो बता रहा, कह रहा उनका 35 है। अच्छा, तो लास्ट मोमेंट तक मतलब प्रदीप ने भी बहुत कोशिश करी, उनको सोनीपत भी लेके गया, काफी कोशिश करते रहे, पर ऊपर जो वाले ने जो लिखा है उसको हम टाल नहीं सकते। हम बस यही है जो सबकी पुरानी यादें हैं उनको सोचते रहे, जितनी दिनेश जी और देवेश जी होगी जितनी इनकी अच्छाइयां हैं, अगर हम आज कुछ करना चाहते हैं तो इनकी वही अच्छाइयों को हम आगे बढ़ाएं और उसको अपनाएं खुद, तो हमें लगता है वो ज्यादा सच्ची श्रद्धांजलि। जी जी ओम। इसी प्रकार मनीष आक्या, आपकी भी कुछ यादें हैं। संजीत मलिक जी बिल्कुल सर, देवेश जी के साथ तो काफी सारा पर्सनल टच रहा, काफी समय में उनसे मिला, उनके ऑफिस भी गया, वो मेरे पास भी आए और उन्होंने मेरे बिजनेस अकाउंटिंग के रिगार्डिंग मेरी काफी सारी मदद की, बहुत ज्यादा हेल्प की। अच्छा, इनके बारे में मैं बड़ा शौक रहा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, और वाक्य में हर चीज के बारे में बहुत बेहतर ये मुझे सलाह देते थे और हर जगह मैं छोटी सी बात कहता था दो कदम आगे बढ़कर मेरा सहयोग करते थे। संजीव मेरी सर इनसे काफी, मतलब इनके बेटे की शादी के रिगार्डिंग भी पिछले मार्च तक बात हो रही थी। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था तो इनके बेटे की शादी की रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा काम कराना था, वो सारी बात हो रही थी। और डेढ़ साल से टच में तो थे, इनसे बातचीत होती थी, मिलना भी होता था। और मतलब कोई मतलब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते थे, अपना सिंपल तरीके से रहते थे, अपना खुश रहते थे। हम पिछली बार जो पहली बार हमने ये अपना क्रिकेट मैच खेला था तो उसमें भी पार्ट थे, सुबह 7-7 बजे आके हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते थे। सुमित यादव सर आते थे, गणेश यादव सर भी आते थे, तो देवेश सर भी आते थे सुबह वहाँ पे। बिल्कुल मतलब जब खेलने का टाइम होता था तो खेलते थे, कोई बात नहीं होती थी इधर उधर की, बिल्कुल खुश रहते थे। काम की बात होती तो काम की बात करते थे, मीटिंग में आते थे तो मीटिंग की बात करते थे। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम जूम मीटिंग करते थे, गणेश यादव जी भी जुड़ते थे हमारे साथ जूम मीटिंग में, हमारी बातें होती थी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। पर इस बार एकदम से हुआ, वो किसी का भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कोई समझ से ही बाहर था। गणेश जी इस कोरोना काल में समाचार सुनने के बाद सबसे पहले मुझे गहरा सदमा लगा, गहरा झटका लगा,
वो दिवेश शुक्ला जी के समाचार सुनने के बाद लगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ लगाव था, और एक सुमित जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार प्रदीप जी के चाचा थे तो हम सब उनको चाचा ही कहते थे, और उनका एक शब्द जो है आज भी हमारे कानों में गूंजता है कि अरे यादव जी आपको पत्रिका निरंतर भेजते रहते लेकिन सदस्यता देनी है वो मैं जल्दी भेज देता हूँ। ये बातें हमेशा उनकी उनकी जो है हमारे कानून आज भी गूंजती रहती है। जिस प्रकार एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर मिलना होता था उनका, हमेशा अच्छे सुझाव देना, उनकी कमी आज भी खलती रहेगी। और शायद भगवान जो है इस प्रकार का दुख किसी को न दे। दिनेश कालरा जी से तो मीटिंग में मेरी एक दो मुलाकात हुई जब मैंने ज्वाइन करा था, बातचीत नहीं थी, बट इतना था कि वो जब भी बात करते थे बहुत पोलाइटली, या एक दो बारी हमारी जूम पर बात हुई तो उन्होंने मुझे अपने मेडिसिन जो दवाइयां यूज कर रहे थे उनका बताना कि मैम ये यूज करो ये बहुत अच्छी है। उनका जो नेचर था बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से। बट देवेंद्र शुक्ला जी के तो हम तो जगत चाचा बोलते थे सर उनको। वो तो मेरे साथ इतना उनका मजाक चलता था, वो बल्कि कई बार मजाक करते चलो मैडम घूमने चले, भाभी को ले चलो, सबको ले चलो, मतलब एक फ्रेंडली माहौल था। मैच में भी मैं भी प्रैक्टिस में गई हूँ सुबह दो कई बारी अपने बेटे को लेकर, तो उनके साथ तो हंसी मजाक उनके बच्चे और सुन के बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो शख्स अभी कुछ दिन पहले मेरे से बात भी कर रहे थे, क्योंकि मैं उनके टच में थी, बात बात हम लोगों की व्हाट्सएप पे होती रहती थी, बर्थडे था उनका भी जनरली, मैंने विश कर रहा है उनको। समझ नहीं आ रहा था ये सब सुन के लोगों को देख कर क्या क्या हो रहा है, शब्द नहीं मिलते सर। हम सब मिल करके एक मिनट का मौन रखते हैं, भगवान इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। जब एक मिनट हो जाए तो संजीत आप बता दीजिएगा।